हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। हमें सभी पार्ट को आंसर करना है अराउंड 1 या 2 लाइंस में। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था। दोस्तों हमने देखा कि रामेश्वरम में जो मॉस्क स्ट्रीट थी वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम का घर था। इसी चीज को हम अपने आंसर में लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे हिसाब से दिनामनी क्या चीज है। दोस्तों देखिए, हमने कहानी में देखा था कि यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के जो ब्रदर है, उनके जो भाई थे, वो उनको वर्ल्ड वॉर 2 की अलग अलग कहानियां सुनाते थे। और दोस्तों उसी कहानी को ट्रेस करने के लिए दिनामनी की हेडलाइंस में एपीजे अब्दुल कलाम उस पेपर को रीड करते थे। यानी कि दोस्तों पता लग रहा है कि यहाँ पे जो दिनामनी है वो एक न्यूज पेपर का नाम हो सकता है। अब देखिए, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड्स कौन से थे, उनका क्या नाम था और फिर वो बड़े होकर क्या बने, हमसे पूछा गया है। दोस्तों इस कहानी में हमने बहुत ही इजीली देखा था कि एपीजे अब्दुल कलाम के 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। पहले का नाम था रमानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और थर्ड का था शिव प्रकाश सिन्हा। दोस्तों हमने देखा कि जो रमानंद शास्त्री है वो तो रामेश्वरम का जो टेंपल है वहां पे पंडित बन गए थे। जो अरविंदन है उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट किया था। और जो शिव प्रकाशन है उन्होंने सदर्न रेलवे के लिए वहां पे केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर वो बन गए थे। अब दोस्तों फोर्थ पार्ट को देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी अपनी पहली कमाई कैसे करी। दोस्तों हमने कहानी में देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने कजन ब्रदर के लिए जो चलती ट्रेन है वहां से न्यूज़पेपर्स को पकड़ने का काम करते थे और उसी से उनकी पहली कमाई होना शुरू हुआ। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मूविंग ट्रेन है वहां से न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करने से उनकी पहली कमाई हुई। अब लास्ट पार्ट देखिए, इसमें पूछा गया है कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने ये जो बंडल्स को कैच करने वाला काम था इससे पहले कभी कोई पैसा कमाया था। दोस्तों बिल्कुल, हमने कहानी में देखा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब एकदम मार्केट में पता नहीं क्यों जो टैमरिन के सीड्स होते हैं, जो इमली के सीड्स होते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों इन्हीं सीड्स को कलेक्ट करके किसी वहां पे किरियाने की दुकान में बेचने का जो काम था वो एपीजे अब्दुल कलाम करते थे और उससे उनको एक दिन में अराउंड 1 अन्ना वो कमा लेते थे। तो दोस्तों देखिए कितनी इजीली हमने ये सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।